राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा आज शुभारंभ किए गए आयुष्मान भव अभियान के अवसर पर माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधा कृष्णन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। उक्त अवसर पर उन्होंने आड्रे हाउस में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आयुष्मान भव सिर्फ एक कथन मात्र नहीं बल्कि एक अभियान है जिसमें स्वस्थ जीवन जीने का सार निहित है। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय स्तर पर संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रत्येक लाभार्थी को सुगमता पूर्वक प्राप्त हो सकेगा। कोई भी लाभार्थी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रहेगा। राज्यपाल महोदय ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत लाखों परिवार आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं व उपचार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो पूर्व में इस सुविधा से वंचित थे। इस अभियान के अंतर्गत PMJAY योजना के तहत सभी शेष पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी लाभार्थी न छूटे। इसका उद्देश्य परिवारों को इलाज के भारी खर्चों के बोझ से बचाना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। उन्होंने विश्वास प्रकट करते हुए कहा कि हमारे झारखंड राज्य में इस अभियान को पूर्णतः सफल बनाया जाएगा। राज्यपाल महोदय ने कहा कि इस अभियान के तहत सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर आयुष्मान सभा का आयोजन किया जाएगा जहां लोगों को स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण के संबंध में जागरूक किया जाएगा। यहां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स नंबर के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। आयुष्मान ग्राम के तहत 100% PMJAY कार्ड वितरण एवं आभा आईडी का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। राज्यपाल महोदय ने कहा कि यह अभियान नागरिकों के स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अभियान से निश्चित रूप से स्वास्थ्य एवं समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना साकार होगी। उक्त अवसर पर उन्होंने निक्षय मित्रों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।